Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आसमान से बरसती आफत ने हिमाचल में इस बार भयंकर तबाही मचाई। इस साल मानसून में अब तक 271 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में मानसून में हुए नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की। आंकड़ों की माने तो 23 लोगों की मौत बादल फटने, 26 की बाढ़ में वाहन डूबने और बहने, 6 लोगों की मौत भूस्खलन के कारण, जबकि 8 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई है। वहीं एक शख्स की मौत बिजली गिरने से भी हुई। इसके अलावा दूसरी घटनाओं में 25 करंट लगने से 15 और गिरने के कारण 38 लोगों की जान गई। 120 लोगों की मौत बारिश के दौरान अलग अलग सड़क हादसों और 9 की जान अलग अलग कारणों से गई है। हिमाचल में इस बार मानसून सीजन में बादल फटने और बाढ़ की 51 घटनाएं हुई, जबकि भूस्खलन की 40 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। ताज़ा बारिश के आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल में बीते दिन रविवार को नाहन में 20 मिलीमीटर, मंडी में 15 और डलहौजी में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। रविवार को प्रदेश में धूप और बादलों के बीच अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम के साफ रहने या बादल छाए रहने का अनुमान है। 3 सितंबर को आंधी और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अब भी हिमाचल प्रदेश में 51 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है।